खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव, आगजनी और हिंसा की घटना के दौरान एसपी सिद्धार्थ चौधरी को गोली मारने वाले आरोपी मोहसिन उर्फ वसीम को पुलिस ने आज जिले के कसरावत से गिरफ्तार किया है। 13 दिन के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी मोहसिन घटना के बाद से फरार था। रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई पथराव और आगजनी की घटना के बाद भीड़ को नियंत्रित करने अपने गनमैन के साथ पहुंचे एसपी सिद्धार्थ चौधरी को संजय नगर के त्रिवेणी चौक पर उपद्रव के दौरान आरोपी मोहसिन उर्फ वसीम ने पैर पर गोली मार दी थी। डीआईजी तिलक सिंह ने मीडिया को बताया कि पुलिस की स्पेशल टीम ने आरोपी को हिरासत में लिया है। अब आरोपी की रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। विवेचना में अगर तथ्य सामने आया कि आरोपी को संरक्षण दिया गया तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि गिलदार सोलंकी की शिकायत पर कोतवाली थाने में आरोपी प्रकरण दर्ज किया गया था। हालांकि हिंसा के दौरान तलवार चलाने वाला इरफान अभी फरार है। पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान कलेक्टर अनुग्रह पी, प्रभारी एसपी रोहित काशवानी और आईपीएस अंकित जायसवाल मौजूद थे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप सभी का प्रेस वार्ता में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अधीक्षक के पैर में गोली लगी हुई थी, उसके वसीम पिता जान मोहम्मद को हमारे द्वारा गठित टीम के द्वारा पकड़ लिया गया है। उसको अभी रक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। और इस टीम में मुख्य रूप से 2 सब इंस्पेक्टर हैं, सुदर्शन दीपक और प्रधान रक्षक मुकेश हैं। प्रधान रक्षक आशीष की तलाश में था, वहाँ से पकड़ के लाए। सर, जिन्हें संरक्षण दिया उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? अब संरक्षण इन्वेस्टिगेशन का विषय है। संरक्षण अगर पाया जाएगा निश्चित तौर से पुलिस तो वैधानिक कार्रवाई करती ही है। क्या उसे जिसने फायर किया था सर, वो पट्टा जब्त हुआ क्या? पट्टा भी जब्त हुआ है सर। पुलिस रिमांड लेकर के और विस्तृत पूछताछ की जाएगी। एक प्रक्रिया है, न्यायालय में प्रस्तुत समय पर करना पड़ता है। जो गोली मारी थी उस मामले में सर पुलिस ने किस प्रकार कार्रवाई की? मोहसिन उर्फ वसीम पिता जान मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस अधीक्षक के पैर में गोली मारी गई थी। उसको न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं और पुलिस रिमांड लेकर के उससे पूछताछ करके बाकी कार्रवाई की। इसका आरोपी को हमने कसरावा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। एक घेराबंदी वगैरह जैसे पुलिस निश्चित तो हमारी टीम गई हुई थी। इसमें 2 सब इंस्पेक्टर, 2 प्रधान रक्षक, 3-4 कांस्टेबल हमारे सैनिक, इनकी टीम लगी हुई थी और सूचना संकलन करके इनको पकड़ा गया। मोबाइल के आधार पर पकड़ा गया? देखिए, किस आधार पर पकड़ा गया है वो हमारा अनुसंधान का विषय है और उस चीज़ को बताना हमारे लिए उचित नहीं है, लेकिन हमने पकड़ा है और गिरफ्तारी की है। आरोपी की प्रोफाइल क्या है? आरोपी की प्रोफाइल क्या है? आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है। पूर्व से उसके विरुद्ध 4 प्रकरण है, जिसमें कट्टे का भी है, आर्म्स एक्ट का प्रकरण है, मारपीट के प्रकरण है। सर, 12 दिन क्या था, कहाँ था, मतलब किस प्रकार से पता लगा फरारी में छुप रहा था? यार देखिए, हम पकड़ के तो लाए हैं और निश्चित तौर से छुपा हुआ था और ये भी हम पता करेंगे किसी का संरक्षण था तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। हायर करने का कोई मोटिव था सर, कुछ बताया गया? हायर करने का मोटिव क्या था? नहीं, अभी तो देखिए विस्तृत पूछताछ होगी तो निश्चित तौर से पता चलेगा कि क्या था उद्देश्य उनका, किसके डायरेक्शन में काम कर रहा था। जो भी चीज़ें हैं वो अनुसंधान में क्लियर हो जाएंगे। पुलिस रिमांड लेकर के उससे आगे की कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।